नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। क्यों? आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपने घर में अपने पितरों की जो फोटो है, जो उनकी तस्वीर लगा रखी है, उससे रिलेटेड में आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपको अपने पितरों की जो तस्वीर है वो कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, कौन सी सही दिशा है। तो जिस दिशा में अगर आप उनकी फोटो रखते हैं, तस्वीर रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आपको अपने पितरों की जो तस्वीर है वो नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दूंगा जो पितरों की तस्वीर से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर से देखें। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन एक एक बात इसकी इम्पोर्टेंट होगी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम हैं बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और आपको अपने आपकी लाइफ में आपके पितरों के आशीर्वाद आप पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपकी जो कोई फिजिकल बीमारी है वो दूर होने लगी है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आते थे दूर होने लगे हैं, रिश्ते सुधरने लगे हैं, जॉब लगी है, ठीक है। ऐसे कई सारे जो आपके प्रॉब्लम जिस कर आप अभी तक जूझ रहे थे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था आपको, लेकिन सिर्फ यही करने से भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ के दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जैसे ही पूरा होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाए, वहाँ मैंने अपने जो कुछ फ्री वर्कशॉप है उसके वीडियो मैंने अपने यूट्यूब लिंक पर दिए हुए हैं, उसे भी आप जरूर से जाके देखिए, वो भी आपको बहुत काम में आएंगे। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबाएं। तो यहाँ मैं बता रहा था कि पितरों की जो तस्वीर आप घर में लगाते हैं उसकी सबसे बेस्ट दिशा कौन सी है, तो वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। जी हाँ, साउथ वेस्ट ये सबसे बेस्ट दिशा है जहाँ आपको अपने पितरों की तस्वीर रखनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, वहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो सकता है तो दूसरी दिशा है साउथ, लेकिन सबसे बेस्ट है साउथ वेस्ट, ठीक है। और दूसरी जो दिशाएं हैं उसमें आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो उससे रिलेटेड जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दूसरी कुछ मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पितरों की तस्वीर रखते हैं वो थोड़ी साइज में मीडियम रखें, बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना रखें, ठीक है, ताकि वो उसके आपको देखे ही नहीं, उसी तरह से छोटी भी ना रखें, ठीक है। उनका चेहरा आना चाहिए, ठीक है, इतना पोर्शन आना चाहिए, इस तरह से आप रखिए। और हो सके तो उसको लकड़े की फ्रेम में रखिए। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि सिल्वर फ्रेम में रखिए कि गोल्डन फ्रेम में रखिए, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि लकड़े की फ्रेम में ही रखिए पितरों की तस्वीर, उसकी रेगुलर साफ सफाई जरूर से कीजिए। और हाँ, दूसरी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे आपको पितरों की तस्वीर नहीं रखनी है, ठीक है। इससे वास्तु दोष भी होगा और नेगेटिव इफेक्ट भी आएगी, इसलिए जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे आपके पितरों की तस्वीर अगर लगाई हुई है तो उसे तुरंत दूर कर दीजिए और साउथ वेस्ट दिशा में आप लगाइए। बेडरूम में भी आपको नहीं लगानी है, जी हाँ, बेडरूम में भी नहीं लगानी है, और उसकी रेगुलर सफाई कीजिए, और हो सकता है तो रेगुलर उनके दिया कीजिए, अगरबत्ती कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप रेगुलर उनको करते रहिए। तो अगर ये छोटी सी बात भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पितरों के आशीर्वाद आप पर बनना चालू हो जाएंगे, आप पर आपकी कुंडली में आपके फैमिली मेंबर में कुछ जो पितृ दोष है, ठीक है, नेगेटिव एंसेंट्रल पैटर्न है, वो दूर होना चालू हो जाएंगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे, आपके बिजनेस अच्छे चलेगा, जॉब लगेगी, बच्चे पढ़ने लगेंगे, आपकी बहुत सारी प्रगति होगी। देखिए, करके देखिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए और देखेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। इसी तरह के और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। दूसरा, पितृदोष क्या है, उसके क्या कैसे आप पता कर सकते हैं कि पितृदोष क्या होता है, ठीक है, और पितृदोष के दूर करने के जो 5 असरकारक उपाय हैं उसके पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो
अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो भी जरूर से जाके देखिए, ठीक है। आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप जरूर से देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट में भी जरूर से बताएं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर जरूर से कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।